जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद्या में। बिहार स्पेशल, जी हाँ, आपको पता है कि बिहार पुलिस में बिहार स्पेशल से प्रश्न आ रहे हैं, तो बिहार स्पेशल अभी जो शिफ्टों के एग्जाम बचे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो जिनका एग्जाम अभी बाकी है वो लोग अवश्य देखें। शुरू करते हैं बिहार स्पेशल के। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और कुछ इतिहास के भी प्रश्न, कुछ शास्त्रीय कला, इन सबों से भी प्रश्न दिखाई देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन है? बिहार का प्रथम उर्दू उर्दू की बात की जा रही है तो बताएंगे नूरुल अनवार। जी हाँ, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र अगर पूछे तो बताएंगे नूरुल अनवार जो है वह बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र है। दूसरा प्रश्न है, बिहार से पहले हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? हिंदी दैनिक समाचार पत्र इसमें कह रहा है। दैनिक समाचार मतलब कि जो प्रतिदिन प्रकाशित होता है उसको दैनिक कहते हैं, सप्ताह में जो होता है उसको साप्ताहिक कहते हैं, जो एक वर्ष में होता है उसको वार्षिक कहते हैं। तो दैनिक हिंदी समाचार पत्र की बात करी जाए बिहार से, तो सर्वहितैषी के नाम से इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? सर्वहितैषी के। चलिए, बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र जो नूरुल अनवार था यह किसने प्रकाशित किया था? तो मोहम्मद हसीन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद हसीन के द्वारा यह नूरुल अनवार जो है वह प्रकाशित किया गया था। देखिए एक और है सर्च लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सर्च लाइट के संपादक थे, तो 10 सर्च लाइट जो था उसके संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद, ठीक ना। एक प्रश्न और बनता है कि सर्च लाइट अखबार, जी हाँ अखबार की बात की जा रही है इसमें, यह प्रारंभ किसने किया था निकालना? सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने इसको निकालना प्रारंभ किया था। दोनों ध्यान रखना है आपको। चलिए, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार, अभी आपने उर्दू पढ़ा फिर अंग्रेजी पढ़ा आपने, तो अंग्रेजी अखबार जो है वह द बिहार हेराल्ड है। कौन सा है? द बिहार हेराल्ड। अब चलते हैं आगे, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी की स्थापना किस शासकों के द्वारा किया गया? यह विश्वविद्यालय है, ठीक ना। तो यह विश्वविद्यालय जो है विक्रमशिला उदंतपुरी, इसकी स्थापना किस शासकों के द्वारा? तो पाल शासकों, जी हाँ पाल शासकों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, किसके समय में नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हो गया? होगा नहीं, हो गया। किसके समय में मतलब कौन शासक था भैया जब नालंदा महाविहार जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हुआ? तो वह जो शासक था ना वह था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। चलिए 9 नंबर सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया, वर्ष पूछ रहा है, तो वर्ष 2016 में इसे शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न, उदंतपुरी किसका प्राचीन नाम है? तो उदंतपुरी बिहार शरीफ को ही कहते थे पहले, उदंतपुरी जो है वह बिहार शरीफ का ही प्राचीन नाम है उदंतपुरी, तो ध्यान देना है आपको। चलिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन में हुई? अभी आपने देखा कि पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के जो थे राजा उन्होंने किया था, तो ये गोपाल थे जिन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्थापना की तो बात हो गई है, अब यहाँ पर देख कि इस विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी के जो पुत्र थे मोहम्मद, उसी ने इसको नष्ट किया था। जी हाँ, बख्तियार खिलजी के पुत्र ने इसको नष्ट किया था, तो ये भी आपको ध्यान देना। चलिए 13 नंबर सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के किस शाखा का केंद्र था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था यहाँ बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की शिक्षा जो है यह दी जाती थी। कौन सी? वज्रयान शाखा, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न, 14 नंबर सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो आप बताएंगे यह धर्मपाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की गई है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया है। चलिए देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है दोनों को नष्ट करने वाला यही है पापी बख्तियार खिलजी। देखिए पापी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये किसी शिक्षण संस्थान को नष्ट कर रहा है, तो वह सारे व्यक्ति जो शिक्षण संस्थान को नष्ट कर रहे हैं वह दुष्ट पापी ही कहलाएंगे, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं,
तेल्हारा कहाँ में स्थित है? देखिए अब यहाँ से जो प्रश्न है यह और उच्च स्तरीय है, क्योंकि अब देखेंगे ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तेल्हारा स्थित है कहाँ में? यह आपके नालंदा में स्थित एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है तेल्हारा, ध्यान देना है आपको। चलिए अगला प्रश्न। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय स्थित था यह भागलपुर में स्थित था। कहां में था? भागलपुर में, ध्यान दीजिए, विक्रमशिला भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न, 18 नंबर सवाल। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना अगर पूछे तो बताएंगे इमदाद अली खान। जी हाँ, इमदाद अली खान के द्वारा 1872 में मुजफ्फरपुर में की गई। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद अली खान, 1872 मुजफ्फरपुर, आपको ध्यान देना है। चलिए तो अगला प्रश्न चलते हैं। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत कब हुई? बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत कब हुई? तो आप बताएंगे 1862 में पटना कॉलेज की स्थापना के साथ। जी हाँ, 1862 में जब पटना कॉलेज की स्थापना हुई तो उसी समय बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत जो है वह हुई है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, किस वर्ष बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना हुई? किस वर्ष बिहार शिक्षा परियोजना की स्थापना परिषद की जो स्थापना है वो 1991 कब हुई है? 1991, ध्यान देना है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन जो है वह कब किया गया? बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन जो 1961 में किया गया है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो है वह 71.2 है, महिला साक्षरता दर जो है वह 51.5 है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा जो है वह आया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। आजादी के समय बिहार में साक्षरता दर मात्र कितना था पता है? तो आजादी के समय बिहार में साक्षरता दर जो मात्र है वो 15.64% ही था। जी हाँ, 15.64% ही था, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। बिहार में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ में है? तो बिहार में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है वह आपके बोध गया में स्थित है। कहाँ में स्थित है? बोध गया में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वह पूसा, यह पूसा समस्तीपुर में है, ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, CUSB। जी हाँ, CUSB जो है वह गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय, और यह 2015 में शुरू हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए 27 नंबर सवाल। पटना विश्वविद्यालय की जो है स्थापना वह कब हुई है? वर्ष 1917 में, इसका आपको अच्छे से ध्यान देना है। पटना विश्वविद्यालय वर्ष 1917। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक शाखा जो है वो बिहार में खोली गई है, और यह शाखा बिहार में कहाँ में खोली गई है? तो किशनगंज में खोली गई है। अगर पूछे कि कब खोली गई है, तो 2013 में खोली गई है। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा बिहार के किशनगंज में वर्ष 2013 में जो है वह खोली गई है। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान किस जिले में शुरू हुआ है? बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है वह मधेपुरा में शुरू हुआ है। कहाँ में शुरू हुआ है? मधेपुरा में शुरू हुआ है, तो इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान बिहार के मधेपुरा जिले में शुरू हुआ है। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ में खोला गया था? बिहार में पहला जिला स्कूल जो है वह पटना में खोला गया था। कब कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया था, ध्यान देना है। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? देखिए इस प्रश्न में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते रहते हैं कि बिहार प्रांत का जो गठन है वह कब हुआ था, तो ध्यान देना है बिहार प्रांत का गठन है वह 22 मार्च 1912। जी हाँ, 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का जो है वह गठन हुआ है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अब देखिए, अभी तो आपसे पूछा गया कि गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 22 मार्च 1912। अब पूछा कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो उड़ीसा से अलग हुआ है 1 अप्रैल 1936 को। जी हाँ, उड़ीसा से अलग हुआ है 1 अप्रैल 1936 को, तो ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर ये मत सोचिए कि बिहार प्रांत का गठन 1936 में हुआ, नहीं, जब 1912 में हुआ था तो उड़ीसा इसमें शामिल था,
लेकिन अगर पूछे कि उड़ीसा से कब अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ तो बताएंगे 1936। ये दोनों प्रश्न आपको परेशान करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, बिहार में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में मंत्रिमंडल के गठन की बात की जा रही है तो 20 जुलाई 1937 को। जी हाँ, बिहार में मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है, मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में वर्ष 1937 में किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? बिहार में वर्ष 1937 में किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो वह श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में इसका गठन जो है वह हुआ था। चलिए अगला सवाल चलते हैं, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जी हाँ, बिहार से झारखंड जो है वह कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, तो इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगला सवाल चलते हैं, 36 नंबर, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में कितने जिले थे? तो झारखंड के अलग होने, अच्छा एक बताइए कि वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? 36, 37, 38 या 39? तो कमेंट करिए इसका आप लोग। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में कितने जिले थे? तो उस समय 37 जिला था, अभी वर्तमान में 38 जिला है। 2001 में जो है वह अरवल को एक नया जिला बनाया गया था, तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए, बिहार में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की वर्तमान में 40 सीट है, लेकिन जब झारखंड भारत में सम्मिलित था तो उस समय 54 सीट था। कितने सीट थे? 54 सीट था, ध्यान देना है। बिहार में वर्तमान समय में राज्यसभा की कुल सीट कितनी है? तो राज्यसभा की वर्तमान समय में 16 सीट है, ये भी आपको ध्यान देना है। बिहार में विधानसभा की कुल सीट कितनी है? तो 243। जी हाँ, बिहार में विधानसभा की कुल सीट 243 है और विधान परिषद की कुल सीट केवल 75 है। जी हाँ, विधानसभा की कुल सीट 243 और विधान परिषद की कुल सीट केवल 75। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान राज्यों के अनुसार, क्षेत्रफल मतलब बड़ा राज्य कौन है, फिर बड़ा कौन, फिर बड़ा कौन, तो ऐसे करके आप देखेंगे तो राज्यों में इसका स्थान है 12वां। अगर केंद्र शासित प्रदेश को ले लिया जाए तो हो जाएगा इसका 13वां, ये भी आपको ध्यान देना है। तो केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ नहीं लिया गया है, 12वां इसलिए है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वह है 3 नंबर पर। जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वह 3रे नंबर पर है, ध्यान देना है। चलिए 43 नंबर सवाल, 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में लोक सभा की जो सीट है वह कितनी है? तो 54, मतलब झारखंड जब था हमने पहले भी बताया, और राज्यसभा की, तो राज्यसभा की 22 हो जाएगी। और अगर पूछे कि बिहार में विधानसभा की सीट जो भाई झारखंड था सामूहिक था तब, तो 324, ये ध्यान देना है। अगर पूछे कि विधान परिषद की सीट तो 96, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं, यहां पर आपको देखिए, यहां पर मैं रिकॉल करा देता हूं, ऐसे आइए देखिए, जब झारखंड था तब की, मतलब 2000 से 15 नवंबर 2000 से पहले का, और ये 15 नवंबर 2000 के बाद का, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा की सीट पहले रहा 54, वर्तमान में है 40, ठीक। राज्यसभा का पहले रहा 22, वर्तमान में है 16। विधानसभा का पहले रहा 324, अब है 200, अब की बात, इधर अब इधर लिखना है 243। विधान परिषद की रहा पहले 96, अब है 75, तो ये चीज ध्यान देना है। लोकसभा 54 40, राज्यसभा 22 16, विधानसभा 324 243, और जो है वह विधान परिषद है वह 96 75, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए चलते हैं, यहां पर आपने देख भी लिया, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार विधानमंडल का उच्च सदन, तो उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम, तो विधान परिषद के अगर सदस्य आप चाह रहे हैं तो कम से कम 40 रखना ही पड़ेगा। कितने? कम से कम 40। बिहार विधान परिषद अस्तित्व में कब आया? 7 फरवरी 1921 को। जी हाँ, बिहार विधान परिषद जो है वह अस्तित्व में आया 7 फरवरी 1921 को, तो यह ध्यान देना है। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति, तो वाल्टर मोडे। जी हाँ,
बिहार विधान परिषद के, सॉरी बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति जो हैं वह वाल्टर मोडे हैं, ये आपको ध्यान देना है। चलिए 51 नंबर सवाल, बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ? बिहार के लिए अलग विधान परिषद जब उड़ीसा अलग हो गया तब 28 मार्च 1936 को गठन हुआ है। जी हाँ, 28 मार्च 1936 को गठन हुआ है, ये ध्यान देना है। चलिए, जो उड़ीसा अलग होने वाला रहा। आगे चलते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का ही है, ध्यान देना है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की जो अर्हताएं हैं वह वर्णित है अनुच्छेद 173 में। जी हाँ, विधान परिषद के सदस्यों की जो अर्हताएं हैं यह वर्णन है 173 अनुच्छेद में। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विधान परिषद की अधिकतम संख्या, देखिए विधानसभा यहाँ पर होगा, परिषद नहीं होगा। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह 500 होगी और न्यूनतम जो संख्या है वह 60 होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, विधानसभा की बात की जा रही है ना कि विधान परिषद। चलिए आगे चलते हैं, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, विधानसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष, ध्यान देना है। आपात स्थिति लागू होने पर विधानसभा की अवधि जो है वह 6 महीने तक के बढ़ाई जा सकती है एक बार में, तो इस बात का भी ध्यान देना है आपको, एक बार की बात की जाए। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, जी हाँ, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, ध्यान देना है आपको। बिहार में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड, देखिए पहले जो होते थे ना वो प्रधानमंत्री ही होते थे, तो मुख्यमंत्री भी उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सतीश प्रसाद को केवल 4 दिन ये रह पाए हैं मुख्यमंत्री, है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। निषेधाज्ञा कानून न्यायालय की स्थापना करने वाला, तो निषेधाज्ञा कानून न्यायालय की स्थापना करने वाला राज्य अपना बिहार ही है। बिहार में सचिवालय का गठन वर्ष 1912 में हुआ है, बिहार में सचिवालय का गठन वर्ष 1912 में। बिहार सचिवालय का जो प्रधान होता है वह मुख्य सचिव होता है, बिहार सचिवालय का प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष है, तो राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का जो शीर्ष है वह प्रमंडल कमिश्नरी है। कौन है? प्रमंडल कमिश्नरी, ध्यान देना है आपको। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सर्वप्रथम 50% आरक्षण दिया गया है, भारत का वह पहला राज्य कौन है जो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? वह है अपना बिहार। कौन है? अपना बिहार। चलिए चलते हैं 64 नंबर सवाल, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ है वह 1 अप्रैल 1949 को हुआ। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसका गठन 1 अप्रैल 1949 को हुआ है, ध्यान देना है। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लागू किया गया? तो नगर पालिका अधिनियम पूछे तो बताएंगे वर्ष 2007 में बिहार नगर पालिका अधिनियम जो है वह लागू किया गया। अगला प्रश्न चलते हैं, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952, जी हाँ, पटना नगर निगम की स्थापना जो है, बिहार में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना पूछ रहा है तो बताएंगे 15 अगस्त 1952, ये ध्यान देना है आपको। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछा है 3 जनवरी 2000, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वह 3 जनवरी 2000 को हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र धारी सिंह थे, कौन थे? राजेंद्र धारी सिंह थे, ध्यान देना है। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 9 फरवरी 1916 को हुई है, ये भी आपको ध्यान देना है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो कुल 8 बार लगा है, ये भी आपको ध्यान देना है। आखिरी सवाल आज का 71वां नंबर प्रश्न, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बने थे वह भोला पासवान बने थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्नों को आपने देखा है और इतने कम समय में इतने प्रश्न मैं कराया हूं, जाकर के देख लीजिए क्वेश्चन जो भी सारे हैं सभी देख लीजिए और एग्जाम में आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।